बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। यौम पाकिस्तान के मौके पर अफवाज पाकिस्तान की इस मुश्तरका परेड की पुरवकार तकरीब में पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से अज़हर लोधी वतन अज़ीज़ और बैरूनी ममालिक के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। आज इस्लामाबाद में मारगला की सरसब्ज़ और शादाब पहाड़ियों के दामन में ये खूबसूरत निखरी रोशन सुबह पार्लियामेंट हाउस के सामने शाराहे कायद आज़म पर आज की ये परेड उस अहम वाक़े की याद ताज़ा करने के लिए मुनक़िद हो रही है जो हमारी कौमी तारीख का रोशन और दरख्शां बाब है और जिसका उन्वान है करारदाद पाकिस्तान। इस करारदाद ने मुसलमानों को हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़्यादत में एक झंडे तले जमा कर दिया और उन्होंने अपने अजीम कायद के ज़र्री उसूलों ईमान इत्तहाद और नज़्म की रोशनी में 7 साल के मुख्तसर अरसे में हज़रत अल्लामा इकबाल के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। 23 मार्च 1940 पाकिस्तानी कौम की ज़फ़रमंदी का उन्वान, कामरानी का निशान और मंजिल मुराद की पहचान है। और आज 23 मार्च 1998 जब हम सब अल्लाह ताला के फजल व करम से इस्लाम का दायमी पैगाम लेकर परचम जमहूरियत के साए तले रवां दवा हैं, इंशाअल्लाह हमारा हर कदम इस्लाम की सरबुलंदी, जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए जारी रहेगा। आज के दिन हमारी बहादुर मुसल्ला अफवाज अपने इस अज़्म की तजदीद करती हैं कि वह अपने कौमी परचम की सरबुलंदी और मुल्क की जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए हर लम्हा चौकस और तैयार हैं। नाज़रीन मोहतरम, परेड एवेन्यू को दोनों अतराफ से नहायत खूबसूरती से सजाया गया है। मेहमानों की एक बहुत बड़ी तादाद मुसल्ला अफवाज की पुरवकार परेड देखने के लिए अपनी नशस्तों पर तशरीफ़ फरमा है। इनमें वफाकी वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, सिफारती नुमाइंदे, आला सिविल और फौजी हुक्काम, अमायदीन शहर और बहुत बड़ी तादाद में आम शहरी शामिल हैं। ख़वातीन, नौजवान, बच्चे और बूढ़े अलगरस हर उम्र के अफराद अपनी मुसल्ला अफवाज की ये शानदार परेड देखने आए हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस परेड में बर्री, बहरी और फजाई अफवाज के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। इस परेड का आगाज एजाजी गार्ड की सलामी से होगा जो बर्री फौज, बहरिया और फजाइय के दस्तों पर मुश्तमिल है। सदर मुमलिकत एजाजी गार्ड का मुआयना करेंगे। इसके बाद फजाइया का फ्लाई पास्ट होगा जिसकी क्यादत चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल परवेज़ मेहदी कुरैशी करेंगे। आज के फ्लाई पास्ट में कुल 37 तैयारे हिस्सा लेंगे जिनमें F-16, मेराज, F-7, F-17, F-7 और A-5 शामिल हैं। फ्लाई पास्ट के मुजाहरे के बाद सदर मुमलिकत परेड से खिताब फरमाएंगे। पैदल दस्तों के मार्च पास्ट का आगाज अलमबरदार जलसे से होगा, अलमबरदार दस्ते से होगा जिसमें तीनों अफवाज के अलमबरदार शामिल होंगे। ख़वातीन हज़रात, यौम जम्हूरिया पाकिस्तान के मौके पर मुसल्ला अफवाज की यह परेड अफवाज पाकिस्तान से तारुफ़ का एक वसीला भी है ताकि आहल यानी पाकिस्तान को इल्म हो कि उनकी सरहदों पर पहरा देने वाले मुजाहिद जज्बाए जहाद से सरशार हैं। मुसल्ला अफवाज की इस मुश्तरका परेड में शामिल एजाजी गार्ड परेड वेन्यू में अपनी जगह इस्तादा है। एजाजी गार्ड तीनों मुसल्ला अफवाज के दस्तों पर मुश्तमल है जिसकी क्यादत मेजर मोहम्मद अमजद कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की उस माया नाज बटालियन से है जिसे 53 के नाम से जाना जाता है। एजाजी गार्ड अपने मुतायन मकाम पर पहुंचकर सफारा हो गई है और अब इंतज़ार है मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद का। अब मैं मुख्तसर कमेंट्री के लिए माइक देता हूं जनाब तारिक खान को। थैंक यू लोधी साहब। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। Pakistan Day is a day of rejoicing for the people of our country. It commemorates the historic day
when the Muslims of South Asia, under the dynamic leadership of Qaid-e Azam, Muhammad Ali Jinnah, gathered at Minto Park, Lahore, and resolved to carve out for themselves an independent homeland, Pakistan, a land where they could lead their lives in accordance with the injunctions of Islam, a land where they could preserve their distinct identity as reflected in their history, culture, traditions, and aspirations for a bright and prosperous future. خواتین و حضرات، تشریف لائے ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل جہانگیر کرامت، پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل فصیح بخاری اور وائس چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل علی الدین. ان کا استقبال کیا گیا. ایئر مارشل علی الدین اس وقت پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل پرویز مہدی قریشی کی نمائندگی فرما رہے ہیں، کیونکہ ایئر مارشل پرویز مہدی قریشی آج کے فلائی پاسٹ کی قیادت کر رہے ہیں. یہ تینوں مسلح افواج کے سربراہ سٹیج پر پہنچ گئے ہیں. اعزازی گارڈ ان کو سلامی پیش کر رہی ہے. Ladies and gentlemen, the three service chiefs have arrived. Air Chief Marshal Pervez Qureshi Mehdi, who will be leading the flypast, shall soon join the parade. Meanwhile, Vice Chief of Air Staff, Air Marshal Aliuddin, will represent him on the dais. آپ یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ خوبصورت بینر لگائے گئے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم کا فرمان، ایمان، اتحاد، نظم اور قرآن حکیم کی آیت، اور سب مل کر خدا کی رسی مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا. اور سامنے جو دل آویز پینٹنگ آویزہ ہیں، یہ ایف جی کالج برائے خواتین کشمیر روڈ کی طالبات نے پروفیسر مصباح رشید کی نگرانی میں شب و روز محنت سے بنائی ہیں. یہ خوبصورت تصاویر جو کہ جذبہ حب الوطنی کے جذبے کا بھرپور اظہار ہے، اس کو تیار کرنے میں 4 ماہ صرف ہوئے ہیں. 500 فٹ لمبی نہایت دلکش رنگوں سے مزین ان پینٹنگز کے ذریعے نہ صرف مونجودڑو اور گندھارا جیسی پرانی تہذیبوں کی عکاسی کی گئی ہے، بلکہ یہ تاریخ پاکستان بھی نہایت اہم انداز میں واضح کرتی ہیں. ان تصاویر میں پاکستان کی ثقافت اور ترقی کو بھرپور انداز میں پیش کیا گیا ہے. میں یہاں یہ بتانا مناسب خیال کرتا ہوں کہ جن طالبات نے ان تصویری تاریخ اور حال کو بنانے میں حصہ لیا، ان کے نام ہیں فرحین سید، نگہت کوثر، ناجیہ کوکب، مہوش شاہ، سمیہ رفیق، جوئس ڈیوڈ، طیبہ امین، ماریہ محمود اور زینب افتخار. معزز خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد نواز شریف تشریف لا رہے ہیں. ان کی سواری آہستہ آہستہ سلامی کے چبوترے کی جانب آ رہی ہے. خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد نواز شریف تشریف لائے ہیں. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل جہانگیر کرامت، بحریہ کے سربراہ ایڈمرل فصیح بخاری، وائس چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل علی الدین نے وزیر اعظم کا استقبال کیا اور اب وہ ڈائس پر تشریف لے آئے ہیں. Ladies and gentlemen, Prime Minister of Pakistan, Miah Muhammad Nawaz Sharif, has arrived, and shortly, President of Pakistan, Muhammad Rafiq Tarar, shall arrive
who will be received by the Prime Minister of Pakistan and Services Chiefs. बिगुल की ये आवाज इशारा है सदर पाकिस्तान की परेड वेन्यू में तशरीफ लाने का। घुड़सवार दस्ते के जलाओं में बग्गी में सवार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर जनाब मोहम्मद रफीक ताड़ तशरीफ ला रहे हैं, जो दस्ता उन्हें अपनी हिफाजत में लेकर चल रहा है। ये पाक फौज की कैवलरी रेजिमेंट से ताल्लुक रखता है। इस रेजिमेंट को ये एजाज हासिल है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक तमाम सरबराहान मामलों इनकी हिफाजत में रहे। आज इस दस्ते की क़यादत कर्नल मोहम्मद शेर खान कर रहे हैं, जो सदारती बग्गी के बाएं जानिब है, और बग्गी के दाएं जानिब उनके एडजुटेंट मेजर अजहर अली हैं। सदारती बॉडीगार्ड को ये एजाज भी हासिल है कि इन्हें खुद बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दस्ते मुबारक से पाकिस्तान का परचम अदा किया, जो आज भी बटालियन के क्वार्टर गार्ड्स पर तुज़ुक़ो एहतिशाम के साथ लहरा रहा है। ये एक मुनफरद और काबिल फख्र एजाज है। मुसल्ला अफवाज की परेड देखने के लिए हमारे दो मुअज्ज़ज़ मेहमान इटली के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एडमिरल क्लेली और उर्दन के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल तहसीन अहमद। हम अपने इस मुअज्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, सदारती बग्गी इस वक्त सलामी के चबूतरे के सामने आकर रुक गई है। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद रफीक तारड़ का इस्तकबाल किया। जनरल जहांगीर करामत, एडमिरल फसी बुखारी और एयर मार्शल अलीउद्दीन ने सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। अब सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान और तीनों मुसल्ला अफवाज के सरबराह सलामी के चबूतरे पर तशरीफ ले आए हैं। और अब एजाजी गार्ड सदर मुमलिकत को सदारती सलामी पेश करेगी और साथ ही कौमी तराना बजाया जाएगा। Now the guard of honor will present a salute to the president and national anthem will be played. एजाजी गार्ड सदारती सलामी देने के लिए तैयार है। Thank you.
एजाजी गार्ड ने सदारती सलामी पेश की और अब एजाजी गार्ड कमांडर मेजर मोहम्मद अमजद सदर मुमलकत से गार्ड के मुआयने की दरख्वास्त करने आ रहे हैं. Commander of the Guard of Honor, Major Amjad has approached the dais to request the President for inspection. خواتین و حضرات, صدر پاکستان جناب محمد رفیق تارڑ گارڈ کے معائنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. یہ عرض وطن میرے بدامہ و چاہتا, یہ شاعر مشرق کے تخیل کا حسین خواب, یہ قائد اعظم کا اجالا ہوا مہتاب, یہ صبح درخشاں کا وطن میرا وطن ہے. اس دیس میں دنیا بھی ہے اور دین خدا بھی, ثروت بھی ہے, عزت بھی, محبت کی فضا بھی, قرآن بھی اور دولت تسلیم و رضا بھی. یہ دیس علمدار روایات کوہن ہے. عظمت ہے میری میرے وطن سے کہ وطن ہے انوار محمد کی درخشاں کرن ہے. صدر مملکت معائنہ فرما رہے ہیں اس وقت بری فوج کے دستے کے سامنے سے گزر رہے ہیں. The President is inspecting the army contingent. بری فوج کے دستے کا معائنہ فرمانے کے بعد صدر مملکت اب بحریہ کے دستے کا معائنہ فرما رہے ہیں. The President is inspecting the naval contingent. پاکستان بحریہ کے دستے کا معائنہ فرمانے کے بعد اب صدر مملکت فضائیہ کے دستے کا معائنہ فرما رہے ہیں. The President is inspecting the Pakistan Air Force contingent. معزز خواتین و حضرات, اعزازی گارڈ کا معائنہ فرمانے کے بعد صدر مملکت اب سلامی کے چبوترے پر تشریف لائیں گے. بانی پاکستان حضرت قائد اعظم نے افواج پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کبھی نہ بھولیے کہ اتحاد میں برکت ہے. اپنی رجمنٹ پر فخر کیجیے, اپنی کور, اپنی ڈویژن پر فخر کیجیے, اپنے پاکستان پر فخر کیجیے. نہ صرف فخر بلکہ خود کو اس کے لیے وقف کر دیجیے. پاکستان آپ پر اعتبار کرتا ہے, پاکستان آپ پر انحصار کرتا ہے, پاکستان آپ کو اپنا محافظ سمجھتا ہے. اس کے اعتماد کو زوف نہ پہنچائیے. Ladies and gentlemen, the President has completed the inspection and he has come back to the dais now. صدر پاکستان
जनाब मोहम्मद रफीक तारण अब सलामी के चबूतरे पर तशरीफ ले आए हैं। इजाजी गार्ड अब अपनी पोजीशन में खड़ी हो गई है और अब फ्लाई पास्ट होगा जिसके लिए मैं माइक विंग कमांडर मोहम्मद मुजद्दद को दे रहा हूँ। खवातीन हजरात, सदर ममलकत वापस सलामी के चबूतरे पर तशरीफ ला चुके हैं। अब से चंद लम्हों बाद पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास्ट शुरू होगा। इस फ्लाई पास्ट में कुल 37 तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। इब्तदा में चीफ अफेयर स्टाफ सलामी देते हुए गुजरेंगे। इसके बाद 5 F-16 तैयारों की एक फॉर्मेशन होगी, जिसके बाद 9 Mirage, 9 F-7 और 9 A-5 तैयारे 3 टुकड़ियों में विक फॉर्मेशन में प्रवास करते हुए गुजरेंगे। नाजरीन, पाक फजाइया के सरबराहान की यह शानदार रवायत रही है कि यौम पाकिस्तान के फ्लाई पास्ट की क्यादत वो खुद करते हैं। ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ F-16 तैयारे पे सदर ममलकत को सलामी देते हुए गुजरे। यहाँ मौजूद मौजूद मेहमानों ने भरपूर तरीके से चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की इस मैनूवर को दाद दी। अब 5 F-16 की तैयारों की फॉर्मेशन आ रही है, जिसकी क्यादत 38 टैक्टिकल विंग के कमांडर ग्रुप कैप्टन मोहम्मद यूसुफ चौधरी कर रहे हैं। इनके साथ 9 स्क्वाड्रन के OC विंग कमांडर असर हसन हैं। इन तैयारों का ताल्लुक 9 स्क्वाड्रन से है, जिसका मोटो है बाजुए हिम्मत से है परवाज़े शौक। F-16 तैयारे अपने कसीर मकासद सलाहितों के बिना पर दौरे जदीद के सफ़े अव्वल के तैयारों में शुमार होते हैं। अब आपके सामने मिराज लड़ाका बम्बार तैयारों की फॉर्मेशन आ रही है, जिसकी क्यादत 34 टैक्टिकल विंग के कमांडर ग्रुप कैप्टन शाहिद हामिद शिगरी कर रहे हैं। इनके हमरा OC-5 स्क्वाड्रन विंग कमांडर फरुख नज़ीर हैं। 5 स्क्वाड्रन पाक फजाइया के मिराज तैयारों का सबसे पहला स्क्वाड्रन है, जिसका मोटो है मेरा नीलगू आसमान बेकराना। हाल ही में पाक फजाइया के मिराज तैयारों को जदीद रेडार और एवियोनिक्स के साथ मजीद मौसर बना दिया गया है। अब आपके सामने F-7 लड़ाका तैयारों की फॉर्मेशन आएगी, जिसकी क्यादत 33 एयर सिक्योरिटी विंग के कमांडर ग्रुप कैप्टन मोहम्मद सफ्तर खान कर रहे हैं। ये स्क्रीन पर F-7 तैयारों की फॉर्मेशन आ रही है। ग्रुप कैप्टन मोहम्मद सफदर खान के साथ OC-14 स्क्वाड्रन विंग कमांडर मोहम्मद जमशेद खान है। 14 स्क्वाड्रन के इन शाहीनों का नारा है शाह यजदान शेर मर्दान कुव्वत परवरदिगार। F-7 तैयारे दुश्मन के तैयारों को मार गिराने के अलावा अपने ज़मीनी दस्तों की मदद करने की बेहतरीन सलाहियतें रखते हैं। और अब ये आ रही है A-5 तैयारों की फॉर्मेशन, जिसकी क्यादत 36 टैक्टिकल विंग के कमांडर ग्रुप कैप्टन सलमान तिरमिजी कर रहे हैं। उनके हमरा OC-26 स्क्वाड्रन विंग कमांडर नवीन अहमद खान है। 26 स्क्वाड्रन के इन जियालों का नारा है झपटना पलटना पलट कर झपटना। A-5 तैयारे दुश्मन के इलाकों में अपने निशानों को तबाह करने और ज़मीनी दस्तों की मदद करने के लिए नहायत मौजू हैं। मोजज़ नाजरीन, अब आपके सामने 4 F-16 तैयारों की बॉक्स फॉर्मेशन बॉम्ब बस्ट का दिलकश मुजाहरा पेश करेगी। आपके ऐन सामने ये जहाज़ अपने अपने महवर पर मुड़ेंगे और फिर 4 मुख्तलिफ समतों में इंतहाई बर्क रफ्तारी के साथ ऊपर उठते चले जाएंगे। ये देखिए 4 तैयारे मुड़े और इंतहाई तेजी के साथ 4 मुख्तलिफ समतों में पुस्तों में नजरों से ओझल होने के करीब हो गए। इस बॉम्ब बस्ट फॉर्मेशन की क्यादत स्क्वाड्रन लीडर अजहर हसन रिजवी ने की, जिनका ताल्लुक 9 स्क्वाड्रन से है। अपने इन्हीं शाहीनों के लिए कि जिनका मस्कन आसमान की लामतना ही वसते हैं, तो फकरे पाकिस्तान ने कहा ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया मेरा नीलगू आसमां बेकराना। नाजरीन कराम, यूं पाक फजाइया का ये वलवलांगेज और पुरवकार फ्लाई पास्ट अपने अख्तिताम को पहुंचा। कौम अपनी फजाओं के रखवाले शाहीनों को हदिया अकीदत सलाम पेश करती है। अब विंग कमांडर मुजद्दिद को इजाजत दीजिए और मैं माइक अपने साथी कमेंटेटर जनाब अजहर लोधी के सपर्द करता हूँ। मेरे वतन के जवानों सलाम हो तुम पर, वफा के जिंदा निशानों सलाम हो तुम पर। फजाई मुजाहरा अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुअज्जज ख्वातीन हजरात, अब अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत होगी। नायक मोहम्मद मिस्कीन साहब तिलावत फरमाएंगे और बेशक दिलों को इत्मीनान अल्लाह ही के जिक्र से होता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے ایمان والو ثابت قدم رہو اور دشمنوں کے مقابلہ میں پامردی دکھاؤ اور اتفاق و اتحاد قائم رکھتے ہوئے جہاد کے لیے کمر بستہ رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں لہذا صلح کرا دیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان اور ڈرو اللہ سے امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین نائک محمد مسکین قرآن حکیم کی تلاوت اور ترجمہ پیش کر رہے تھے خواتین و حضرات اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر جناب محمد رفیق تارڑ اس یادگار موقع پر خطاب فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پریڈ کمانڈر آفیسرز جونیئر کمیشنڈ آفیسرز بہادر جوانوں معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم یوم پاکستان کے تاریخی موقع پر منعقد ہونے والی مسلح افواج کی مشترکہ پریڈ ہماری قومی زندگی میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے آج جبکہ ہم آزادی کے 50 سال مکمل کر چکے ہیں یہ دن ہمارے لیے مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے خوبصورت وردیوں کے درمیان آپ کے دمکتے چہرے اور عزم پیشانیاں اور شاندار ٹرن آؤٹ قابل تحسین ہیں پاکستانی قوم کو اس امر کا پختہ یقین ہے کہ دفاع وطن اللہ کے فضل و کرم سے ناقابل شکست ایمان رکھنے والے مضبوط اور آہنی ہاتھوں میں ہے جن کا مشن اول و آخر وطن عزیز کا دفاع
और इस्तेकाम है। पूरी कौम आपकी मुस्तदी चाबक दस्ती और आला पेशावराना सलाहियतों पर फख्र करती है। मेरे अजीज हमवतनों, आज से 58 साल कबल आज ही के दिन मुसलमानों ने बर्रे सगीर ने अपने लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा किया था ताकि वो अपनी दीनी, सियासी, सकाफती, माशी और माशरती रवायात की आज़ादी से पैरवे करते हुए इज्जत व वकार के साथ दुनिया की दूसरी कौमों के शाना बशाना जिंदगी बसर कर सकें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की वलवला अंगेज़ क़यादत और बर्रे सगीर के मुसलमानों की बेमिसाल कुर्बानियों ने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की सूरत में इस ख्वाब की हुसैन ताबीर अता की। मेरे अजीज़ हमवतनों, हसूल पाकिस्तान के बाद हम कौमी तारीख के 50 सालों में कई नशीब फराज से गुजरे। हमें खारजी और अंदरूनी महाज पर कई बहरानों से दोचार होना पड़ा, लेकिन इस्लाम के नाम पर कायम इस मुमलकत खुदादाद के अवाम हमेशा हर इम्तहान में सुरखरू हुए। आज भी जबकि हम 21वीं सदी में दाखिल होने के लिए पर तोल रहे हैं, हमें बहुत से मसाइल का सामना है। सलामती, बका और तरक्की की जद्दोजहद में हमें दुश्मन हर तरह से जेर करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। मुल्क दुश्मन अनासर अमन आमा को तबाह करने पर तुले हुए हैं। मुआशी बहरान ने तरक्की की राह पर हमारे पांव जकड़ रखे हैं। इन हालात में हम सब को साबित कदम रहते हुए मुत्तहिद कौम बनकर इन चैलेंजों का सामना है। आज के दिन हमें इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि जिन मकासद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था वो किस हद तक पूरे हुए और उन मकासद की तकमील के लिए हमने जो कोशिशें कीं वो किस हद तक बराबर साबित हुईं। हमें निसफ सदी का सफ़र मुकम्मल करने के बाद ये हकीकत अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि अगर हमने अपने इनफरादी और इज्तमाई मसाइल पर काबू पाना है तो हमें अपनी जिंदगियां इस्लामी सांचे में ढालना होंगी। इस्लाम रोशनी का वो अजीम मीनार है जो हमारे रास्तों और हमारी मंजिलों को मुनव्वर कर सकता है। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते से इनहराफ करते रहेंगे तो मसाइल का जंगल घना होता चला जाएगा। तू अगर खाही मुसलमान जीस्तन, नेस्त मुमकिन जुज़ब कुरान जीस्तन। मेरे हमवतनों, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। दुनिया के हर खित्ते में अमन कायम रखने के लिए हमारा किरदार बहुत वाज़े है। हमने अक़वामे मुत्तहिदा की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अपने दस्ते कांगो, सोमालिया, बोस्निया, खलीज, हेटी और दीगर बहुत से ममालक में भिजवाए। हमारी अफवाज ने इन ममालक में अमन कायम करने में जो शानदार किरदार अदा किया, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है। हम पुरमन बकाए बाहमी के असूलों पर अमल करते हुए दुनिया के तमाम ममालिक, बिलखसूस अपने हमसाया ममालिक से दोस्ती का रिश्ता उस्तवार करना चाहते हैं, लेकिन मैं दो टोक अल्फाज में ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि अमन की इस ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हमारी मुसल्ले अफवाज अल्लाह के फजलो करम से जदीद असलाह से लैस, जज्बा ईमानी से सरशार, आला पेशा वाराना अहलियत की हामल
वतन अज़ीज़ की मुकद्दस सरहदों के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार व मुस्तैद और किसी भी किस्म की जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत से मुकम्मल तौर पर बराबर है। अल्लाह की ताईद व नुसरत पर ईमान इनका सबसे बड़ा हथियार है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। दुश्मन खबरदार रहे कि वतन पाक की तरफ उठने वाली हर मैली आँख को फोड़ दिया जाएगा। हमें एक असूल पसंद कौम होने के नाते बाहमी अमन की पॉलिसी पर गामजन है। हमारी तवज्जो का असल मरकज़ कौमी तरक्की और खुशहाली है, जिसके लिए तवानाई का हसूल कलीदी हैसियत रखता है। और अमन मकासद के लिए एटमी तवानाई के हसूल की खातर हमारी कोशिशों को हरगिज़ शक की नज़रों से ना देखा जाए। हम माशी और माशरती तरक्की नीज़ एक बाइज़्ज़त और आबरूमंद कौम की हैसियत से ज़िंदा रहने के लिए एटमी तवानाई का हसूल ज़रूरी ख्याल करते हैं और हमारे एटमी प्रोग्राम को इसी पस मंज़र में देखा जाए। मेरे अज़ीज़ जांबाज़ो, दुनिया जानती है कि हम मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की बका का मसला है। ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए मासूम कश्मीरी निसफ़ सदी से भारतीय ज़ुल्म व तशद्दुद और चीरा दस्तियों का शिकार हैं। आज कश्मीरी कौम अपना हक खुद इरादियत हासिल करने के लिए सर पर कफन बांध कर उठ खड़ी हुई है। हम आज़ादी की इस जद्दोजहद में मुकम्मल तौर पर कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। उनकी इस तारीख साज जद्दोजहद आज़ादी में पाकिस्तान उनकी अखलाकी सफारती और सियासी हमायत भरपूर तरीके से जारी रखेगा। मैं अक्वामे आलम से अपील करता हूँ कि वो मकबूज़ा कश्मीर में भारतीय ज़ुल्म व तशद्दुद और इंसानी हकूक़ की शर्मनाक खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें और भारत को अपना रवैया तब्दील करने पर मजबूर करें। मैं आखिर में परेड कमांडर और परेड के दीगर शुरका को आज की खूबसूरत और पुरवकार परेड मुनाकद करने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। मुसल्ला अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। यौम पाकिस्तान के मौके पर सदर इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद रफीक तारण खिताब फरमा रहे थे। अब एजाजी गार्ड कौमी नारा लगाएगी। Ladies and gentlemen, now the Guard of Honor will march past in front of the dais. The Guard of Honor comprises contingents from all the three services, and it is being commanded by Major Amjad of Frontier Force Regiment. Muazziz Khawateen Hazrat,
अब मार्च पास्ट का आगाज होगा। सबसे पहले एजाजी गार्ड मार्च पास्ट करते हुए सलामी देते हुए गुजरेगी। इस एजाजी गार्ड में तीनों मुसल्ला अफवाज, बर्री, बहरी और फजाई अफवाज के दस्ते शामिल हैं। एजाजी गार्ड की क्यादत फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के मेजर मोहम्मद अमजद कर रहे हैं। खवातीन हजरात, मेरे सामने जो मुअज्ज़ज़ मेहमान तशरीफ रखते हैं उनमें चेयरमैन सेनेट जनाब वसीम सज्जाद, गवर्नर पंजाब जनाब शाहिद हामिद, गवर्नर बलोचिस्तान जनाब गुलाम हमजेब, गुजरा आलम पंजाब के जनाब मोहम्मद शाहबाज शरीफ, सिंध के जनाब लियाकत अली चौधरी, बलोचिस्तान के जनाब आफताब नईकर, वफाकी वजरा में वजीर खजाना जनाब सरताज अजीज, वजीर खारजा जनाब गौहर अयूब खान, वफाकी वजीर मेहनत और सकाफत जनाब शेख रशीद अहमद, वजीर तालीम सैयद गौस अली शाह, आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के कायम मकाम स्पीकर चौधरी जाफर इकबाल यहाँ मेहमानों में तशरीफ फरमा है। मार्च पास एजाजी गार्ड का शुरू है। एजाजी गार्ड में शामिल बर्री फौज के दस्ते का ताल्लुक फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है। बहरी फौज के दस्ते में शामिल जवानों का ताल्लुक मुख्तलिफ जमीनी यूनिटों और फ्लीट यूनिट से है, जबकि फजाइया के दस्ते में शामिल जवानों का ताल्लुक मुख्तलिफ फजाई यूनिट से है। सलामी के चबूतरे पर सदर जनाब मोहम्मद रफीक दारड, वजीर आजम जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ और तीनों मुसल्ला अफवाज के सरबरा सलामी लेने के लिए मौजूद हैं। Ladies and gentlemen, Inter-Services Guard of Honor comprises detachments of three services is now heading towards the saluting dais in quick time. The Guard of Honor is being led by Major Amjad of Frontier Force Regiment. एजाजी गार्ड का दस्ता सलामी के चबूतरे पर जाने पा रहा है। सबसे आगे बर्री फौज का दस्ता है जो सदर मुमलिकत को सलामी पेश करता हुआ सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेगा। या रब, मेरे वतन का परचम बुलंद रखना, अपने कर्म का यूं ही एहसान मंद रखना, साया पड़े न कोई इसकी तजल्ली पर, नाजा रहीं सितारे इसकी बुलंदियों पर, या रब मेरे वतन का परचम बुलंद रखना, महके रहें अंधेरे हंसते रहें सवेरे, आका तुझे खबर है हम हैं गुलाम तेरे, हमको जहां की कुव्वत कौमों में सर बुलंद रखना, या रब मेरे वतन का परचम बुलंद रखना, अपने कर्म का यूं ही एहसान मंद रखना, अपने नबी के लश्कर को सर बुलंद रखना, या रब मेरे वतन का परचम बुलंद रखना। इस वक्त बहरिया का दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है और सलामी पेश करता हुआ और ये है फजाइया का दस्ता जो सदर मुमलिकत को सलामी पेश करता हुआ सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है। बर्री, बहरी और फजाइया के दस्ते के बाद जो बैंड नगमा सराई कर रहा है उसका ताल्लुक जीएचक्यू से है और उस बैंड की क्यादत सूबेदार मेजर सराज का है। ये दस्ता सलामी देता हुआ गुजर रहा है।
खवातीनो हजरात, हमारी मुसल्ला बाज के दस्ते परेड कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद अकरम शाही की क्यादत में परेड एवेन्यू की जानेब आ रहे हैं। परेड कमांडर मोहम्मद अकरम शाही अपने सेकंड इन कमांड ग्रुप कैप्टन फारूक आजम और स्टाफ अफसर पाकिस्तान नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर सरफराज हुसैन के हमराह खुली जीप में इस परेड की क्यादत कर रहे हैं। ब्रिगेडियर मोहम्मद अकरम शाही ने 1974 में पंजाब रेजिमेंट की एक माया नाज पलटन पर कमीशन हासिल किया। ब्रिगेडियर मोहम्मद अकरम शाही को यह एजाज भी हासिल है कि पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से ताल्लुक ना होने के बावजूद भी पाकिस्तान आर्मी के पहले अफसर हैं जिन्होंने जर्मनी से फ्री फॉर पैराशूट कोर्स कामयाबी से मुकम्मल किया। आप स्टाफ कॉलेज कैम्ब्रे और नेशनल डिफेंस कॉलेज के फैरहुद तहसील हैं। ब्रिगेडियर मोहम्मद अकरम शाही एक सिपाही होने के अलावा एक बेहतरीन एथलीट भी हैं। आप मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी खेलों के अलावा 1978 में पाकिस्तान की एथलेटिक्स टीम की बैंकॉक में एशियन गेम्स के मुकाबलों में नुमाइंदगी कर चुके हैं। 1975 से 1979 तक लॉन्ग जंप के कौम की चैंपियन रहे। 1976 में आर्मी और इंटर सर्विसेज का लॉन्ग जंप का नया रिकॉर्ड कायम किया। Ladies and gentlemen, the contingent of armed forces are advancing under the command of Brigadier Mohammad Akram Sahi, along with his second in command, Group Captain Farooq Azam, and his staff officer, Lieutenant Commander Sir Franz Hussain, towards the dais. Group Captain Farooq Azam, who is Parade's second in command, has been commissioned in the Pakistan Air Force's GDP branch and has achieved flying a professional efficiency wing. He has been in Saudi Arabia. एविएशन विंग में 3 साल तक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की हैसियत से तबीयत के पराए अंजाम दे। लेडीज एंड जेंटलमैन, द परेड कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद शाही। मोहम्मद अकरम शाही वाज कमीशन्ड इन पंजाब रेजिमेंट इन 1974। बिसाइड्स बीइंग ग्रेजुएट ऑफ बोथ नेशनल डिफेंस कॉलेज एंड स्टाफ कॉलेज कैम्बरले, ब्रिगेडियर अकरम शाही एंजॉयज वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ कमांड एंड इंस्ट्रक्शनल अपॉइंटमेंट्स। परेड कमांडर की जीप के पीछे अलमबरदार दस्ता। रस्मे अताए अलम सिपा सलार आजम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई वो अहसन रवाज है जो आज भी हमारी अफवाज में चली आ रही है। पाक फौज में भी उस पलटन को परचम अता होता है जो अस्करी महारत और फनी तबीयत में यफ्ता और माहिर समझी जाती है। इस पर अल्लाह अकबर कहती है। ये मुहतरम व मुअज़्ज़म परचम आज तक किसी इंसान की ताज़ीम में नहीं झुका। इसकी सरबुलंदी के लिए पलटन का हर जवान अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देने को तैयार रहता है। Ladies and gentlemen, the tradition of awarding parchment was started by the greatest leader, our Prophet Muhammad, peace be upon him, and is continuing to this day in our armed forces. In Pakistan Armed Forces, it is awarded to those units which excel in training and efficiency. The words Allahu Akbar are inscribed on it. Therefore, it is never bowed before anyone. Every rank and file is ready to lay down his life for the honor of their sacred standard. अलमबरदार दस्तों के बाद जो दस्ता सलामी के चबूतरे की तरफ आ रहा है, इसका ताल्लुक पंजाब रेजिमेंट से है। 8 में से 4 निशाने हैदर हासिल करने वाली पंजाब रेजिमेंट की नुमाइंदगी करने वाला यह दस्ता 17 पंजाब हैदरी के नाम से पहचाना जाता है। इस पलटन को यह एजाज भी हासिल है कि मेजर अजीज भट्टी शहीद निशाने हैदर का ताल्लुक इसी यूनिट से था। पंजाब रेजिमेंट की इस यूनिट की क्यादत लेफ्टिनेंट कर्नल इकराम हुसैन कर रहे हैं। वतन अजीज की हिफाजत के अलावा हाल ही में इस बटालियन के मुजाहिद बोस्निया के महाज पर अमन के फराइज ऐसन तरीके से अंजाम देने के बाद वापस आए। एक निशानी हैदर के अलावा इस बटालियन के बहादुरों ने 6 सितारा जुरत और 6 तमगा जुरत हासिल किए हैं। पंजाब रेजिमेंट का यह दस्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इकराम हुसैन की क्यादत में सलामी पेश करता हुआ गुजर रहा है। Ladies and gentlemen, the Punjab Regiment has the honor of being the senior most regiment of the Pakistan Army. The unit of Punjab Regiment was raised 130 years ago. Major Aziz Bhatti Nishan Haider was also from the same unit. It is being commanded by Lieutenant Colonel Ikram Hussain. Besides one Nishan Haider, unit holds 6 Sitara Jurat and 6 Tamghai Jurat. Muazzaz khawateen hazrat, ye hai
बिलोच रेजिमेंट का दस्ता जो रिवायती तमकनत और सिपाहियाना वक़ार के साथ मार्च करता हुआ आ रहा है। बिलोच रेजिमेंट की इस मायानाज पलटन ने अपने मार्ज वजूद में आने से अब तक बेशबहा मरतबा अपनी जुरत और बेबाकी का शानदार दरख्शा माजी के अलम्बरदार ये पलटन जंगे अव्वल और दोम के अलावा जंगे सितंबर 65 और 71 की पाक भारत जंगों में दादे शुजात हो चुकी है और हाल ही में अपनी फॉर्मेशन में इस यूनिट को इसकी आला पेशा वाराना सरगर्मियों की बदौलत साले रवां की बेहतरीन पलटन करार दिया गया है। बिलोच रेजिमेंट की इस बटालियन की क्यादत लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद खुशनूद हुसैन कर रहे हैं। सैयद खुशनूद हुसैन की क्यादत में बिलोच रेजिमेंट का ये दस्ता सलामी पेश करता हुआ गुजर रहा है। The regiment marching with traditional vigor and soldier bearing towards the saluting dais belongs to a battalion of Bluch regiment. The Bluch regiment is the second senior-most regiment of the Pakistan Army. Its motto is victory or martyrdom. The unit has a glorious past and has always come up to the expectations wherever required. The contingent is being led by Lieutenant Colonel Sayyid Khushnood Ali. बटालियन के पीछे बिलोच रेजिमेंटल सेंटर और एफएफ सेंटर का बैंड सूबेदार मेजर रफीक की क्यादत में नगमा सराई कर रहा है। द बैंड फॉलोइंग द यूनिट बिलोंग्स टू द फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट सेंटर एंड ब्लूच रेजिमेंट सेंटर एंड इज बीइंग लेड बाय सूबेदार मेजर मोहम्मद रफीक। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट मेजर अकरम शहीद और शब्बीर शहीद निशान हैदर के पाकीज़ा लहू की वारिस फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की नुमाइंदगी करने वाला दस्ता पूरी आबोताब के साथ सिपाहियाना अंदाज में चलता हुआ रहा है। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के इस दस्ते की क्यादत लेफ्टिनेंट कर्नल नसरुल्ला ताहिर डोगर कर रहे हैं। पिफर्स बरादरी की इस मायानाज पलटन को जर्रार के नाम से पुकारा जाता है। ये बटालियन 25 अक्टूबर 1965 को मारज़ वजूद में आई। जंगे 1971 में इसने रहीम यार खान के महाज पर जुर्रत व बहादरी की बेबाया मिसालें रकम की और दुश्मन की चौकी सादे वाला पर कब्जा किया। अभी तक इस मायानाज पलटन के 51 जवान मादरे वतन की खातर अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का ये दस्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नसरुल्ला ताहिर डोगर की क्यादत में सलामी पेश करता हुआ गुजर रहा है। Ladies and gentlemen, the contingent which has just moved away from the saluting dais comprises a battalion of the Frontier Force, popularly known as the PIFRS, which stands for Punjab Irregular Frontier Force Regiment. Major Akram Shaheed and Major Shabbir Sharif Shaheed, Nishane Hadar, belong to this regiment. This unit is popularly known as Jarrar so far. 51 warriors have laid their lives for their country. Azad Kashmir Regiment ka dasta iske baad aane wala hai. शान बटालियन के नाम से जाना जाने वाला आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट का दस्ता अपनी पूरी सिपाहियाना आफ्ताब के साथ सलामी के चबूतरे की तरफ आ रहा है। इस दस्ते की क्यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अकरम शाहीन कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट की ये बटालियन आज़ादी कश्मीर के दौरान 1948 में मारज़ वजूद में आई। जंग कश्मीर में इस मायानाज पलटन के 18 सपूतों को जुर्रत बहादुरी के बेमिसाल कारनामों की बिना पर बैटल ऑनर से नवाजा गया। अपनी दरख्शा रवायात के लम्बरदार आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट ने 1971 में चोलिस्तान खजू और सादिकाबाद के महाज पर अपनी बहादुरी की दास्तान रकम की। अमन हो या जंग, आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के इस दस्ते के जवानों ने हमेशा मुस्तैदी और महारत का मुजाहरा किया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अकरम शाहीन की क्यादत में आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट का दस्ता सलामी पेश करता हुआ गुजर रहा है। Azad Kashmir Regiment is known for its heroic deeds for the cause of Kashmir and has seen action in 1948, 1965 and 1971 wars. Aur ye hai Sindh Regiment, surkh topiyan saron par sajaye jo dasta badi tamkanat se march karta hua aa raha hai. Iska taluq Sindh Regiment se hai. Is battalion ki qiyadat Lieutenant Colonel Abdur Rashid kar rahe hain.
ये बटालियन 23 नवंबर 1971 को मर्दान के मकाम पर मारज वजूद में आई। बाद में इस पलटन को सुलेमान की सेक्टर पर मामूर किया गया, जहां इन्होंने अपने फराज नहायत दिलेरी और जाफिशानी से अदा किए। अब तक ये बटालियन अफगानिस्तान की सरहद और सिंध के जंगलों के अलावा सियाचिन के महाज जंग पर भी अपने फराइज नहायत एहसन तरीके से अंजाम दे चुकी है। लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रशीद की क्यादत में सिंध रेजिमेंट का यह दस्ता सदर मुमलक को सलामी पेश करता हुआ गुजर रहा है। The contingent adoring red berets with plumes belongs to battalion of the junior most regiment of the Pakistan Army, the Sindh Regiment. Despite its young age, the officers, junior commissioned officers and men of the Sindh Regiment have made their mark in the history of Pakistan Army. This unit was raised in 1971 and immediately after its raising was deployed at Sargodha base. The unit displayed unparalleled courage and dedication towards duty. Har lab pe hai tumhari shujaat ki dastaan. हर नक्श पा तुम्हारा है जुर्रत की दास्तान। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी कमांडोज का दस्ता अपनी सिपाहियाना सजधज के साथ सलामी के चबूतरे की जानिब आ रहा है। ये सरफरोश मुजाहिद पाक वतन की आन हैं। ये वो जाबाज हैं जिनकी दहशत से मजबूत तलाबंदियों में महसूस दुश्मन पर लर्जा तारी हो जाता है। कमांडोज की जिस बटालियन को आप देख रहे हैं यलदरम के नाम से जानी जाती है। ये बटालियन यकम जुलाई 1956 को मारज वजूद में आई। दिफाए वतन के फराइज की अदायगी में इस बटालियन के 62 जाबाजों ने अब तक जाम शहादत नोश किया है। यलदरम बटालियन के दस्ते की क्यादत लेफ्टिनेंट कर्नल नज़ारत बशीर कर रहे हैं। इस सरफरोश बटालियन के अफसरों और जवानों ने जवां मर्दी बहादुरी और सरफरोशी के कारनामे सर अंजाम देने पर अब तक 9 सितारा जुर्रत, 14 तमगा जुर्रत और 1 तमगा शुजात हासिल किए। लेफ्टिनेंट कर्नल नज़ारत बशीर की क्यादत में कमांडोज का यह दस्ता सदर मुमलिकत को सलामी पेश करता हुआ सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है। The contingent approaching the saluting dais in double time is composed of a legendary battalion of the Special Services Group, or Commandos as they are popularly known. The battalion is called Yaldram. These are the soldiers who strike terror in the hearts of the enemy. For the bravery beyond the call of duty, the men of this unit were awarded 9 Sitara Jurat, 14 Tamgha Jurat. Yaldrams are being led by Lieutenant Colonel Nazarat Bashir. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, सफ़ेद बुर्क़ा वर्दियाँ से वतन किए जो दस्ता सलामी के चबूतरे की तरफ आता है, ताल्लुक हमारी समंदरी सरहदों के मुहाफ़िज़ पाक बहरिया। पाकिस्तान बहरिया के इस चौक चौबंद दस्ते के क़यादत कमांडर खुर्शीद अनवर कर रहे हैं। सलामी के चबूतरे पर सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद रफीक दारड, वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ और तीनों मुसल्ला फाज के सरबराह सलामी लेने के लिए खड़े हुए हैं। इस दस्ते में बहरिया के इस दस्ते में जो अफसर चीफ पेटी अफसर, पेटी अफसर और सेलर शामिल हैं, इनका ताल्लुक बहरिया की मुख्तलिफ समंदरी यूनिटों, तनसीबात और पाकिस्तान नेवी मैरीन से है। हमारा बहरी बेड़ा तबाहकुन जहाजों, दूरमार मिजाइलों से लैस आबदोजों, आबदोज शिकन जहाजों, मिजाइल बर्दाश्त जंगी किश्तियों, तैयारों और हेलीकॉप्टरों से लैस हैं। बहरी बेड़े के इन यूनिटों की कामयाब और मौसर कारकर्दगी का इंसार इन्हीं बहादुर सेलरों पर है। कमांडर खुर्शीद अनवर की क्यादत में बहरिया का दस्ता सदर मुमलकत को सलामी पेश करता हुआ इस वक्त सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है। The defenders of sea frontiers, Pakistan Navy, clad in their traditionally spotless white uniforms, the contingent heading towards the saluting dais comprises officers, chief petty officers and sailors of various ground installations, warships, as well as members of Pakistan Marines. The contingent is being commanded by Commander Khurshid Anwar. The officers, chief petty officers and petty officers, and sailors comprising the contingent belong to the different naval units, installations and naval marines. और ये है पाक फजाइया का दस्ता जो सलामी के चबूतरे की तरफ आ रहा है। ये दस्ता फजाइया के ग्राउंड कमिटीज पर मुश्तमिल है। इसकी क्यादत विंग कमांडर आसिम नवाज ठक्कू कर रहे हैं। ये फजाइया के अड्डों पर दुश्मन के छाता बरदार हमलों और किसी भी किस्म की खुफिया कार्रवाइयों के खिलाफ दिन और रात में मौसर दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखता है। दौरान जंग फराइज अंजाम देने के अलावा अमन के जमाने में भी पाक फजाइया के ये दलेर हिफाजत और निगेबानी की खिदमत अंजाम देते हैं। इन ग्राउंड कमिटीज की तरबियत
कमांडोज की तर्ज पर की जाती है। विंग कमांडर आसिम नवाज ढक्कू की क्यादत में फजाइया का यह दस्ता सलामी पेश करता हुआ गुजर रहा है। After the contingent of the Pakistan Navy, the troops approaching the saluting dais are from Pakistan Air Force. They are made up of the PF ground combatants. During both peace and war, these troops are entrusted with the highly sensitive task of protecting air bases and other air force installations. The ground combatants are trained on the lines of commandos. This unit of PF ground combatants is being commanded by Wing Commander Asim Nawaz. मलबूस ये जांबाज हमारे शिमाली इलाके की मुहाफिज फौजों के नुमाइंदे हैं, जिन्हें नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के नाम से जाना जाता है। इस दस्ते की क्यादत लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद आबिद हसन कर रहे हैं। 1948, 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में इस बटालियन को 2 सितारा जोरत, 3 तमगा जोरत, 1 सितारा बसालत, 5 तमगा बसालत और 4 इम्तियाजी असनाद मिल चुकी हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद आबिद हसन की क्यादत में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का यह दस्ता सदर पाकिस्तान को सलामी पेश करता हुआ सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है। The defenders of our northern areas, including the highest battlefield of the world, Siachen, donning their distinctive white caps, the contingent now passing in front of the saluting dais comprises the officers, junior commissioned officers, and men of the Northern Light Infantry. This unit is being commanded by Lieutenant Colonel Abid Hassan. This unit is known as Barq Qadam. Northern Light Infantry ke daste ke piche Frontier Corps, Balochistan. इस दस्ते का ताल्लुक फ्रंटियर कोर सूबा बलूचिस्तान के योग मिलिशिया से है। इस कोर में पंजाब सरहद और बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हयूर कबाइल शामिल हैं। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के योग मिलिशिया दस्ते की क्यादत लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत अली अलवी कर रहे हैं। ये बहादुर जवान संग लाख चटान और सहराओं को सर करने का अजम समीम रखते हैं। योग मलेशिया फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की पुरानी कोर है, जो कि 1899 को मारज वजूद में आई। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की ये जवान मुसल्ला फौज के तौर पर अपने फरायज अंजाम देते हैं। ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों पर 2000 किलोमीटर लंबे इलाके की देखभाल इनके जिम्मे है। Ladies and gentlemen, the contingent which has just marched past the saluting dais comprises personnel of the Zob militia, a part of Frontier Corps Baluchistan. The Frontier Corps Baluchistan is entrusted with the responsibility of looking after some of the harshest arid terrain in the province, including a 2,000 kilometer long border area during peacetime. This contingent of Zob militia was being led by Lieutenant Colonel Shaukat Ali Alvi. मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की इस परेड में पाकिस्तान आर्मी एविएशन का फ्लाई पास भी शामिल है, जिसकी क़यादत ब्रिगेडियर ईसार हुसैन जाफरी कर रहे हैं, जो लामा हेलीकॉप्टर्स, कोबरा हेलीकॉप्टर्स और MI-17 हेलीकॉप्टर्स पर मुश्तमिल है। हेलीकॉप्टरों की फॉर्मेशन में सबसे पहले 3 लामा हेलीकॉप्टर, उसके बाद 3-3 की 2 फॉर्मेशनों में कोबरा हेलीकॉप्टर्स और इसके बाद आखिर में 3 हेलीकॉप्टरों की फॉर्मेशन में MI-17 हेलीकॉप्टर गुजरेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू लुक वेस्ट, यू कैन सी द हेलीकॉप्टर्स ऑफ द आर्मी एविएशन मेकिंग देयर वे टुवर्ड्स द सैल्यूटिंग डेज। They are led by 3 high-altitude Lama helicopters, followed by 6 Cobra gunships and the latest addition to the inventory, the MI-17 helicopters. ये फ्रांसीसी साख के 3 लामा हेलीकॉप्टर हैं, जो खास तौर पर ऊंची उड़ान के लिए बनाए गए हैं। सेवियोस के नाम से पहचाने जाते हैं। आर्मी एविएशन के स्क्वाड्रन नंबर 8 के ये हेलीकॉप्टर और उनके बहादुर पायलट 20,000 फुट की बुलंदी तक अपनी सरहदों की हिफाजत करने वाले सिपाहियों की मुआवनत करते हैं। और ये पाकिस्तान आर्मी एविएशन के कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर महवे परवास हैं। इस फॉर्मेशन में 6 कोबरा हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं। फॉर्मेशन की क्यादत लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद अली कर रहे हैं। इस स्क्वाड्रन का नस्बोलैन है कि हमले के रूप में कामयाबी है। Cobra helicopters are being led by Lieutenant Colonel Sayed Ali. They are fitted with tow missile system. They are used to engage the enemy. Cobra gunship helicopter के बाद MI-17 helicopters परवाज कर रहे हैं। इस मायाना स्क्वाड्रन ने कई जरूरतमंदाना कार्रवाइयों में हिस्सा किया। इस टुकड़ी की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद जुल्फकार कर रहे हैं। MI-17 helicopters are cargo helicopters. They are used to transport men and material during peace and war. Lieutenant Colonel Mohammad Zulfikar is commanding this group of helicopters.
मौजूद ख्वातीन हजरात, आर्मी एविएशन का फ्लाई पास्ट खत्म हुआ। इस वक्त स्टेज पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल परवेज मेहदी कुरैशी तशरीफ ले आए हैं, जिन्होंने फ्लाई पास्ट की क़यादत की। लेडीज एंड जेंटलमैन, एयर चीफ मार्शल पी क्यू मेहदी हैज अराइव्ड ऑन द डेस। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, डेस पर इस वक्त सदर इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद रफीक तारड़, वज़ीर आज़म इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल फसी बुखारी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल परवेज मेहदी कुरैशी। आज की इस शानदार परेड को मुलाहिजा करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। हर एक पायलट पर खुदा का करम, हर एक तोपची की अदा को सलाम, मेरी कौम की बहरिया को दुआ, मेरी मुमलकत के लिवा को सलाम, गुलामाने आले नबी जिंदाबाद, फिदायाने खैरुल वरा को सलाम, जलालो जमाले सिपाहे वतन असातीर सिद्को सफा को सलाम, वतन की मुकद्दस फजा को सलाम। मुअज्जज ख़वातीन हज़रात, ये दस्ता पाकिस्तान आर्मी के जदीद टैंक T-80UD का दस्ता है। तकनीकी तौर पर T-80UD टैंकों का शुमार दुनिया के बेहतरीन टैंकों में से होता है। 1000 हॉर्स पावर के मजबूत इंजन वाला ये टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमलावर हो सकता है, जबकि इसकी 125 मिलीमीटर दहाने की तो 2000 मीटर से भी ज्यादा दूरी पर दुश्मन के टैंकों को हदफ बनाकर तबाह कर सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, T-80UD, these tanks have recently been acquired from Ukraine. The crew comprises 3 personnel. These are also fully protected against nuclear and chemical attacks. They can exchange the targets up to the ranges of 2,500 meters. They are also equipped to operate at night. This contingent is being led by Lieutenant Colonel Sadar. ऑटो लोडर से लैस होने की बदौलत ये टैंक चलती हालत में दुश्मन के चलते हुए टैंक पर 1 मिनट 8 से 9 गोले दागने की इजाजत है। इस पर लगी हुई 12.7 मिलीमीटर की तैयारा शक्ल को टैंक के अंदर से भी चलाई जा सकती है। इस टैंक की एक दाखिल खसूसियत ये है कि गाइडेड मिसाइल फायर करके 4,000 मीटर तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को निशाना बना सकता है। रात को भी दिन की मानी देखने की सलाहियत रखने वाला ये टैंक रात की तारीखी में भी दुश्मन पर हमला हो सकता है। इस टैंक में ऐसे हिफाजती सिस्टम हैं जिसकी वजह से ये एटमी कीमियाई और हयातियाती माहौल में कार्रवाई कर सकता है। इस टैंक की वजह से पाकिस्तान आर्मी को मियारी बढ़तरी हासिल हुई है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल सादिक कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, और ये दस्ता मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का दस्ता है। इसका ताल्लुक फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है, जो कि गाइडेड इन्फेंट्री के नाम से पहचानी जाती है। इसकी अस्करी तारीख 150 बरस पर मुहित है, जिसका मोटो है रफ एंड रेडी। इस बटालियन की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल खावर सईद कर रहे हैं। इस बटालियन को यह एजाज भी हासिल है कि खीमकरण के महाज पर कब्जा होने के बाद सबसे पहला कदम इसी बटालियन के जियालों ने रखा था। गाइडेड इन्फेंट्री 1846 में मारज़े हुदूद में आई। ये बटालियन खाकी यूनिफॉर्म पर सुर्ख रंग की पट्टी वाले कॉलर की वजह से भी मशहूर है। इस बटालियन के जंगी एजाज में 3 सितारा जुरत और 4 तमगा जुरत शामिल है। FF mechanized infantry mounted on indigenously produced armored personnel carriers at the heavy industries Texila. The contingent heading towards the saluting dais is composed of an armored infantry battalion of the Frontier Force Regiment. It is known as Guides Infantry. It is being commanded by Lieutenant Colonel Khawar Saeed. Hum hain Allah ke sipahi, ghaziyane sher-e-nar. हम रसूल पाक का लश्कर मुजाहिद नामवर।
गायते हस्ती हमारी अम का पैगाम है, हादी ये बरहक हमारे अम के पयामवर, सरहदों के हम हाफिज, हम फजाओं पर मुहीत, हम शनावर हैं समंदर के अमीर बहरवर, हम हैं अर्ज़े पाक के जर्रों की हुरमत के अमीर, हम हैं हरफे ला इलाह के तर्जुमाने पे खतर, दुश्मनाने दी को हमसे खौफ खाना चाहते, हम मुजाहिद हैं, शहादत है हमारी मोतबर, खून के कतरों से हम देंगे हिसाब जिंदगी, गाज़ाए इस्लाम है खूने शहीदाने सरबसर। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का दस्ता सलामी पेश करता हुआ इस वक्त सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल खावर सईद कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट की ये हैवी एंटी टैंक बटालियन चंद ही साल कबल क्वेटा छावनी में वजूद में आई। इस टैंक शिकन बटालियन को जदीद तरीन टैंक शिकन मिजाइल सिस्टम जो कि पख्तन शिकन गाड़ी पर लगा हुआ है से मुसल्ला किया गया है। ये मिजाइल सिस्टम 100% अपने हदफ को 3 किलोमीटर के फासले से निशाना मारने की अहलियत रखता है। APC के ऊपर जहाज़ों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली 12.7 मिलीमीटर बोर की तैयारा शिकन गन भी है, जो कि आसानी से दुश्मन के तैयारों को निशाना बना सकती है। इस मिजाइल सिस्टम की सबसे अहम खसूसियत अंधेरे में फायर करना भी है। रात के वक्त अंधेरे में देखने वाले आले की मदद से आसानी से अपने हदफ को निशाना बना सकता है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद असलम कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैवी एंटी टैंक बटालियन, द कंटिंजेंट नाउ रोलिंग टुवर्ड्स द शूटिंग डेज इज अ हैवी एंटी टैंक यूनिट ऑफ द आजाद कश्मीर रेजिमेंट। दे हैव ऑन देयर इन्वेंटरी द यूनिट वाज रेज्ड एट क्वेटा इन 1980। द यूनिट हैज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंटी टैंक लॉन्चिंग सिस्टम and missile with them. It is being led by Lieutenant Colonel Muhammad Aslam. Assalam, ae ghaziyan-e saf shikan, tumse qaim hai shujaat ka chalan. Assalam, ae sarfaroshane gawa, qaum ka sar tumne uncha kar diya. Assalam, ae azm ke kohe kara, tumne apne khoon se seencha gulzita. Assalam, ae sarhadon ke pehredar, tumse wabasta hai qaumi iftikhar. खवातीन हजरात, SP हैवी रेजिमेंट आर्टिलरी इस खुदकार हैवी तोपखाने के दस्ते का ताल्लुक SP हैवी रेजिमेंट आर्टिलरी से है, जो 10 जून 1957 को मारज़े वजूद में आई। और इस यूनिट को ये एजाज हासिल है कि यह पाकिस्तान आर्मी की पहली हैवी SP रेजिमेंट है। ये यूनिट 1965 और 1971 की जंग में अपनी महारत और बहादुरी का लोहा मनवा चुकी है, और इन दोनों जंगों में इस यूनिट के 8 शहीदों ने पाक सरजमीन को अपने खून का नजराना पेश किया। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद आसिफ अली कर रहे हैं। सैयद आसिफ अली की क़यादत में SP हैवी रेजिमेंट आर्टिलरी का यह दस्ता सलामी पेश करता हुआ गुजर रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, द कंटिंजेंट हेडिंग टुवर्ड्स द शूटिंग डेज इज कंपोज्ड ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिट्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी। Leading elements comprise self-propelled artillery guns. The contingent is being led by Lieutenant Colonel Sayyid Asif Ali. Lieutenant Colonel Sayyid Asif Ali ki qiyadat mein SP heavy regiment artillery ka dasta salami pesh karta hua salami ke chabutre ke samne se guzar raha hai. अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की तरफ आ रहा है, इसका ताल्लुक 139वीं दरमियानी मार की खुद हरकती रेजिमेंट से है, जो कि 1988 में मारज़े वजूद में आई। ये रेजिमेंट 155 मिलीमीटर की खुद हरकती तोपों से लैस है। इस दस्ते की क़यादत मेजर आसिफ रूफी कर रहे हैं। तोपखाने की इस मायानाज रेजिमेंट के नौजवान सियाचिन और कश्मीर की बर्फपोश चोटियों पर भी अपने फ़राइज अंजाम दे चुके हैं। मेजर आसिफ रूफी की क़यादत में 139
एसपी रेजिमेंट का दस्ता सलामी देता हुआ गुजर रहा है। एक सौ बाईस मिलीमीटर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, इसका ताल्लुक 457 इंडिपेंडेंट मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बैटरी आर्टिलरी से है, जो 122 मिलीमीटर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से मुसल्ला है। इसकी क्यादत कैप्टन मोहम्मद इरफान कर रहे हैं। पाकिस्तान में बनाया हुआ ये रॉकेट वसी इलाके में मौसर तौर पर फायर गिराकर दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। एक रॉकेट लॉन्चर 15 सेकंड में 30 रॉकेट फायर कर सकता है और फायर को 30 किलोमीटर तक गिरा सकता है। ये बैटरी 1979 में लाहौर के मकाम पर मार्ज वजूद में आई और इसे चोलिस्तान के सहराओं से लेकर कश्मीर की बर्फपोश चोटियों तक अपने फराइज अंजाम देने का फख्र हासिल है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बैटरी बींग कमांडेड बाय कैप्टन इरफान। कैप्टन मोहम्मद इरफान की क्यादत में 122 मिलीमीटर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का यह दस्ता सलामी पेश करता हुआ इस वक्त सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है। और ये है हतफ मिजाइलों का। हतफ मिजाइलों का ताल्लुक पाक फौज की कंपोजिट रॉकेट रेजिमेंट से है, जो अपनी नौयत की पहली रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट को मार्ज वजूद में अगरचे चंद ही वर्ष हुए हैं, तहम यूनिट अस्करी तरबियत और पेशा वाराना शोबों में अपना लोहा मनवा चुकी है। इस दस्ते की क्यादत कैप्टन हसनैन आबिद रजा कर रहे हैं। काबिले फख्र ये हतफ मिजाइल पाकिस्तान में तैयार किए गए हैं। ये मिजाइल भारी तोपखाने की जद से बाहर तेज वीराती अहदाफ को निशाना बनाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हतफ वन आर कैरिंग द इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम। They belong to a composite rocket regiment of Pakistan Army. Although the unit has been recently raised, yet it has proven its excellence. Hatha missiles can engage the targets beyond the range of conventional artillery guns. The detachment is being led by Captain Hasnain Abid Raza. Muazzaz Khawateen Hazrat, ab jo dasta raha hai, इस मशीनी दस्ते का ताल्लुक आर्मी एयर डिफेंस से है। आर्मी एयर डिफेंस का बुनियादी मकसद मैदान जंग में लड़ाका अफवाज और अंदरूनी मुल्क मखसूस अहम और कौमी अहमियत के मकामात का फजाई दिफा करना है, और ऐसे मकामात पर दुश्मन के हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर हमलावर हों तो उनको तबाह करना और उनके अजायम को खाक में मिलाना है। इसके जियानों ने भारत के साथ 1965 और 1971 की जंगों के दौरान ऐसी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है जो तारीख का सुनहरी बाब है। इन मार्कों में आर्मी एयर डिफेंस ने दुश्मन के 84 जहाज तबाह किए और इस शानदार कारकर्दगी की बिना पर 21 सितारा जुर्रत, 25 तमगा जुर्रत, 18 इम्तियाजी असनात और 1 तमगा बसालत अता किए गए। इस दस्ते की क्यादत लेफ्टिनेंट कर्नल नासिर इकबाल कर रहे हैं। आपको ये जानकर यकीनन मसर्रत होगी कि आर्मी एयर डिफेंस को रिवायती हथियारों के साथ साथ जदीद तरीन मोहलक और बेहतरीन तैयारा शिकन हथियारों से भी लैस किया गया है। इनमें न सिर्फ दुनिया के बेहतरीन गने बल्कि जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल शामिल हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, द कंटिंजेंट नाउ अप्रोचिंग द स्लूटिंग डेज कंप्राइजेस द ओलिकन गन सिस्टम एंड आरबीएस मिसाइल सिस्टम ऑफ द आर्मी एयर डिफेंस कमांड। In the modern battlefield, ground forces cannot advance without effective air defense. During 1965 and 1971 Indo-Pak wars, the Army air defense downed 84 aircraft. They were awarded 21 sitara jurat, 25 tamgha jurat, 17 tamgha misalat and 18 and 8 imtiazi sanat. Army air defense contingent is being led by Lieutenant Colonel Nasir Iqbal. Pehla dasta 35 mm Olicon radar control gunon par mushtamil hai. Ye gunne स्काई गार्ड रेडार की मदद से अपने हदफ को निशाना बनाती हैं। ये मौजूदा दौर का जदीद तरीन खुदकार तैयारा शिकन निज़ाम है। ये हर किस्म के मौसमी हालात में दुश्मन के हमलावर तैयारों को बर वक्त तलाश करके उन पर चंद सेकंड के अंदर फायर कर सकता है। और ये आरबीएस 70 मिसाइल सिस्टम है। आरबीएस 70 मिसाइल सिस्टम के बाद स्काई गार्ड रेडार,
ये रडार दुनिया के जदीद तरीन फायर कंट्रोल रडार में शामिल है, जो हर किस्म के मौसमियाती हालात में दुश्मन के जहाजों को मुनासिब दूरी पर ही तलाश कर सकता है और मुकम्मल तौर पर खुदकार होने की वजह से फायरिंग डाटा 35 मिलीमीटर ऑलिकॉन गन को मुहैया करता है। इस रडार के अंदर एक टीवी कैमरा भी है, जिससे हदफ को ढूंढने में आसानी होती है। इस वक्त सलामी के चबूतरे के सामने आरबीएस 70 गुजरने के बाद जिराफ रडार गुजर रहा है। ये रडार एक मुनासिब फासले तक दुश्मन के मुख्तलिफ जहाजों को देख सकता है। इस रडार में अपने और दुश्मन के जहाज में इम्तियाज करने यानी IFF की सहूलत मौजूद है। ये रडार दुश्मन के जहाजों को देखकर आरबीएस 70 मिसाइलों के हवाले करने की सलाहियत रखता है। जिराफ रडार कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू इट्स पेक्यूलियर शेप। It can differentiate between friendly and hostile aircraft. It provides data to RBS 70. इस वक्त परेड एवेन्यू से जिराफ रडार गुजर रहा है। ये बानी पाकिस्तान हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिनाह का पोर्ट्रेट है, जो अहले पाकिस्तान को ब्रादर इस्लामी मुल्क तुर्की ने तोहफतन पेश किया। परेड कमांडर ने सदर मुमलिकत, वजीर आजम और तीनों मुसल्ला फौज के सरबराहों से हाथ मिलाया। कुछ ही देर बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर जनाब मोहम्मद रफीक तारड़, वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ परेड एवेन्यू से तशरीफ ले जाएंगे। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुनक्कद होने वाली अफवाज पाकिस्तान की ये शानदार मुश्तरका परेड अपने इख्तिताम को पहुंचती। तौहीद मेरी सैफ, रिसालत मेरा परचम, हिम्मत है जवां मेरी, इरादे मेरे मुहकम, अल्लाह का दी जान से तन से मुझे प्यारा, नामूस मोहम्मद मेरे हर जख्म का मरहम, हिस्से में मेरे आई है इस्लाम की खिदमत, ताजीस्त करूंगा मैं इसी नाम की खिदमत, हिस्से में मेरे आई है इस्लाम की खिदमत, ताजीस्त करूंगा मैं इसी नाम की खिदमत। इस वक्त मुअज्जज मेहमान सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान से मुसाफा कर रहे हैं। इनका ताल्लुक उर्दन से है। ये उर्दन के मुअज्जज मेहमान हैं और इनसे पहले इटली के मुअज्जज मेहमान ने सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान से हाथ मिलाया। ये हमारे दोनों मुअज्जज मेहमान आज की ये शानदार परेड देखने के लिए यहाँ तशरीफ लाए थे। उर्दन और इटली के मुअज्जज मेहमान, जिन्होंने सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान से हाथ मिलाया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर जनाब मोहम्मद रफीक तारड़ और वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ अब मुसल्ला अफवाज के सरबराहों से हाथ मिलाने के बाद परेड एवेन्यू से तशरीफ ले जा रहे हैं।
खुदा के नाम पर रखी गई बिना जिसकी हुई है रहमत इज़्ज़त से इब्तदा जिसकी ये सरजमीन मुकद्दस ये अर्ज पाकीज़ा वफा है बस्ता तमान मुस्तफ़ा जिसकी ये कौम जिसकी हद आरजू रज़ाए खुदा मोहम्मद अरबी जान मुर्दा जिसकी ये दीन अहमद मुरसल ये मिल्लत बैज़ा तमाम आलमी इम्कान है खाक पा जिसकी ये कौम वार से कुरान सिफत हैदर दिले रसूल में मंजिल वफा जिसकी ये कौम जिसका हर एक फ़र्द मर्द मैदा है लिए हुए है बकाए अबद फना जिसकी इन्हीं अनासर दिल का है नाम पाकिस्तान बफैज इश्क है मुल्क दवाम पाकिस्तान। आज की ये तकरीब अब इख्तिताम पजीर हो रही है। सदर पाकिस्तान तशरीफ ले जा चुके हैं। अब चंद ही लम्हों बाद वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ परेड एवेन्यू से तशरीफ ले जाएंगे। मोटरसाइकिल सवारों का दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने आकर रुका। वजीर आजम परेड एवेन्यू से तशरीफ ले जा रहे हैं। उन्होंने हाथ हिलाकर यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। लोग तालियां बजाकर वजीर आजम को रुख्सत कर रहे हैं परेड एवेन्यू से। इसी के साथ अजहर लोधी अपने साथी कमेंटेटर्स तारिक खान और विंग कमांडर गुलाम मुजद्दद के साथ और अपनी तमाम प्रोडक्शन टीम के साथ परेड एवेन्यू से आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज इस तकरीब में जनाब मोहम्मद रफी सागर, हकीकत यह है कि परेड का आला मयार देखकर यह फैसला करना दुश्वार हो गया था कि कौन सी यूनिट दूसरों पर खौफियत रखती है। Congratulations, Mike.
इसके साथ ही निर्माण का सिलसिला खत्म होता है। जगह तो बने ना, फिर बात बनती है। जगह ही नहीं मिल रही सारे, एक तो सिक्योरिटी खड़े हो गए।